फ्रेंड्स, यहाँ पे गूगल पिक्सल 2 के बारे में बहुत सारी लीक्स और रूमर्स हमें सुनने को मिल रही है, तो आगे आप इस वीडियो देखते रहिए। मैं इस वीडियो में उन्हीं लीक और रूमर्स में से कुछ अच्छी चीजें और कुछ एक्सपेक्टेड चीजें जो कि आ सकती है उसके बारे में बताने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशुतोष और आप देख रहे हैं टेक्नोस्फीयर। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम लोगों ने हमेशा देखा है कि गूगल का पिक्सल जो एक उन्होंने बनाया है ग्रुप, उसका बहुत ही अच्छे अच्छे मोबाइल उसमें आती है। तो यहाँ पे गूगल पिक्सल आई थी एक्सेल, गूगल पिक्सल एक्सेल पिछली बार आई थी, इस बार हो सकता है गूगल पिक्सल एक्सेल 2 आने के उम्मीद है। और यहाँ बहुत सारे उसके बारे में लीक्स और रूमर्स देखने को मिल रही है कि इसमें वो रहेगा, उसमें वो रहेगी। तो मैं ये उन चीजों में से कुछ एक्सपेक्टेड चीजें जो कि आपको देखने को मिल सकती है, कंफर्म चीजें वो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन वो मेरी तरफ से कंफर्म नहीं है, वो एक्सपेक्टेड चीजें मैं उनमें से निकाल कर मैं बता रहा हूँ इस कंपनी के हिसाब से वो दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको इसके स्पेसिफिक में बात बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा डिजाइन के बारे में जो कि एक र्यूमर है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें जो कि एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन है, तो यहाँ पर चिपसेट आपको हो सकती है मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 835, और यहाँ पर रैम हो सकती है आपको 4GB की मिलेगी, और स्टोरेज आपको हो सकता है 128 इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। यहाँ पे एक्सपेंडेबल का यहाँ पे कुछ रूमर्स अभी आया नहीं है, कुछ हमें पता भी तो चला नहीं है, मैं आपको कैसे बताऊँ एक्सपेंडेबल के बारे में हमने आते हैं। कैमरा की मैं अगर बात करूँ तो आप आपको मिल सकती है 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 7 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल सकती है, तो वो भी 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट करने लायक होगी, हो सकता है 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट कर ले। तो फ्रेंड्स, अगली स्पेसिफिकेशन बढ़े जो कि एक्सपेक्टेड है, तो एंड्रॉयड OS की बात करें तो एंड्रॉयड ओ हो सकता है आपको 8.2 मिल देखने को मिल सकता है। मैंने एक स्पेशल वीडियो बना चुका है जो कि आप मैं बताया हूँ कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि बीटा वर्जन में जा रही है, हो सकता है आपको गूगल पिक्सल 2 में ये देखने को मिल जाए एंड्रॉयड ओ। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी स्क्रीन की बात करूँ तो हो सकता है आपको स्क्रीन मिलेगा देखने को 5.7 इंच का क्वाड HD डिस्प्ले, साथ में बहुत ही ग्लासी लुक के साथ, और हो सकता है कि ये मोबाइल एक बेजललेस फोन हो सकती है, क्योंकि बेजललेस फोन का एक नई दुनिया बनती जा रही है, उसमें बहुत सारी नई नई मोबाइलें लॉन्च हो गई है, और ये भी हो सकता है बेजललेस फोन और शार्प एज के साथ आने वाली है। तो फ्रेंड्स, इसकी डिजाइन बहुत ही अच्छी होने वाली है जैसा रूमर्स में देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक्सपेक्टेशन इसके बारे में बता दिया, इस मोबाइल का एक्सपेक्टेशन के बारे में बता दिया क्या क्या इसमें देखने को मिल सकती है स्पेक्स। तो आपको अगर अच्छा स्पेक्स लगा तो अभी अभी और रुकने का भी आपको जरूरत है, क्योंकि अभी मोबाइल अभी कुछ इसका ऑफिशियल लॉन्चिंग नहीं हुआ, ऑफिशियल इसका स्पेक्स नहीं आया है मार्केट में, यहाँ पे लीक्स आ रही है, तो लीक्स में से कुछ उठा के मैं आपको बताया हूँ। तो यहाँ पे अगर ऑफिशियल आएगी तो यहाँ पे हो सकता है कुछ और ऐड होगी, कुछ और हट भी सकता है। अभी बैटरी वैटरी के बारे में नहीं आया, जो मेन चीज मैं आपको बता दिया, और अभी इसका कुछ हमें डेट भी नहीं पता चला है कब तक आएगी, कब तक आने वाली है मोबाइल इंडिया में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताइए, अगर आपको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा इसी तरह का वीडियो बता रहा हूँ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।